ऐसे कुछ लोग आए थे और ऐसा कुछ कन्वर्ट करने वाले इसने कंपनी स्टॉक इसके अंदर अलॉय व्हील्स जो आए थे तो भाई ने उसको अपग्रेड कर दिया 18 इंच अलॉय व्हील्स के साथ। तो ये वाले लुक पूरा डिपेंड करा गया, फ्रंट लुक ऐसी कुछ मिलने वाली है देखने के। तो ऐसी कुछ लुक आई थी व्हील आर्क की जिसको कन्वर्ट कर चुके ग्लॉसी व्हील आर्क के साथ। अपने डोर पैनल्स के ऊपर भी पूरा ग्लॉसी में कन्वर्ट करा गया है अपना ब्रीजा वाला शेयरिंग कन्वर्ट, अपना 10 इंच एंड्रॉइड विद अपना ग्लॉसी फ्रेम। भाई ये देख लो, ये अपना 360 व्यू, ये अपना पीछे का, ये लेफ्ट का, ये राइट का, ये अपना लेफ्ट एंड राइट दोनों वेरिएशंस मिल जाएगा। इस गाड़ी की बिलिंग की बात कर लूं भाई, मोटा मोटा 2 लाख प्लस गया है बिलिंग। इसमें वो कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे कन्वर्ट करने के लिए, आप गियर नॉब बूट लाइट आपके लिए फ्री है। तो ऐसा कुछ डिजाइन मिलने वाला है, फुल कॉम्बिनेशन अपना टॉप मॉडल वाला इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत है आपके ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स में, गंदासन भाई। आज हमारा था ग्रैंड विटारा बेस मॉडल, लेकिन ये गाड़ी आई थी कल रात को, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हो चुकी है। इसके अंदर कुछ अलग कलर का इंटीरियर कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डिप पेंट वाला इंटीरियर, वो इसके अंदर करा गया। प्लस अगर बाहर की लुक देखो मैंने भाई, यहाँ पर जेन्युइन अलॉय व्हील्स लगे हुए थे, भैया ने उतरवा दिए 18 इंच अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट X2 के यहाँ पर लगा चुके हैं। बाकी चलते हैं गाड़ी तरफ, तो मैं आपको ओवरऑल वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो फ्रंट साइड में अगर बात करें तो अपनी ऐसी कुछ लुक आती है, हेडलाइट वाली जो अपनी गार्निश रहती है वो यहाँ इंस्टॉल कर चुके, जेन्युइन पार्ट रहता है, सिंपली जेन्युइन पार्ट में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 25%। फ्रंट वाला पट्टा 590 या 560 कुछ रुपए इसकी MRP है, जो भी MRP होगी नेट से आप देख सकते हो, या फिर आप सिंपली काउंटर विजिट करोगे आपके सामने MRP रख दी जाएगी और आपको डिस्काउंट इस पर दे दिया जाएगा। बात करें 360 कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फ्रंट पे अपने कैमरे की प्लेसमेंट मिल चुकी है। साइड फेस में लोग जो सबसे ज़्यादा इन्हांस करी है वो है अपने अलॉय व्हील्स, तो 18 इंच अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं, आफ्टर मार्केट रहते हैं 215/55R18। तो 18 इंच अलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट लुक कितनी इनहांस कर चुकी है, प्लस अपने कैलिबर्स भी यहाँ पर रेड पेंट कर चुके हैं। इसमें अपने जेन्युइन अलॉय व्हील्स लगे हुए थे वो यहाँ पर रिमूव कर दिए, ठीक है। अभी इसमें फेंडर यहाँ पर ये वाला पार्ट सिंपली ग्लॉसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर मिरर्स की बात कर ले, मिरर्स पे अपने 360 के कैमरे की प्लेसमेंट मिलने वाली है, प्लस नीचे वाला ये वाला पार्ट भी सिंपली यहाँ पर कन्वर्ट करा गया ग्लॉसी के अंदर। ये मैट फिनिश के अंदर आता है, पूरा रिप्लेसमेंट सीन रहता है, सिंपली वाला रिमूव करके जेन्युइन यहाँ इंस्टॉल कर चुके हैं। प्लस अपना आफ्टर मार्केट फुटरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। लोगो गार्निश की बात कर ले, यहाँ पर पेस्टिंग सीन इसके अंदर कन्वर्ट करा गया है। जेन्युइन जो जेन्युइन में अंदर अपना बैकएंड में क्रोम नहीं आता, ओनली इस वाले पार्ट तक क्रोम आता है। डोर वाइजर्स अपने जेन्युइन इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है। प्लस अपना न्यू फ्लिप्स की बात कर ले, अपनी जेन्युइन रहती है, नट वाले सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है। प्लस बैकएंड में लुक देख लो अलॉय व्हील्स की कितनी ज्यादा इनहांस कर रही है, तो ओवरऑल बाहर की तरफ ये पूरी लुक थी। प्लस पीछे अपना एक्सटेंडर इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है। बाकी डोर पैनल्स पे लुक दिखाता हूँ, तो भाई ऑलमोस्ट जैसे काम इसके अंदर हो रखा है। तो भाई पहली बात ये देखो, कुछ जो अलग चीज़ इसके अंदर करी गई है ना, वो है अपने डोर पैनल्स के ऊपर इंटीरियर। तो ये वाली लुक पूरा डिपेंड करा गया, और फिनिशिंग देख लो भाई कितनी एक्यूरेट आपको मिलने वाली है देखने के लिए। प्लस यहाँ पर अगर बात करें, सॉफ्ट टच लेदर कन्वर्ट करा गया है जैसा अपने टॉप मॉडल के अंदर था। ग्लॉसी पैनल्स करे गए हैं, पूरे अपने पावर विंडो के फुल अंदर तक रहने वाले हैं। ग्रैंड विटारा की स्कफ प्लेट, नीचे अपनी 9D फ्लोरिंग कर रखी है कंपनी का भी सेव करने के लिए। कल गाड़ी आई थी थोड़ी गंदी भी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, एंड में फाइनल शॉट्स में आपको मजा आने वाला है। डैशबोर्ड ये भी चेंज करेंगे, सिंपली इस पैटर्न में यहाँ पर डैशबोर्ड कन्वर्ट करने वाले हैं। ब्रीजा का स्टीयरिंग कन्वर्ट करा गया जिसमें अपना सिल्वर फिनिश मिल जाता है। सिस्टम इंस्टॉल करेंगे विद 360 कैमरा। डोर पैनल्स की लुक है फिर से कितनी बेहतरीन मिलने वाली है, प्लस अपने सीट कवर्स, तो भाई कस्टमाइज सीट कवर इंस्टॉल, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बढ़िया कुछ फिटमेंट में बकेट फिटिंग के प्रोसीजर साथ यहाँ पर ये कन्वर्ट कर चुके हैं भाई। देखो अपना डैशबोर्ड भी यहाँ पर आ चुका है, जो अपना फ्रंट वाला रहने वाला है ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ऐसे कुछ लुक आई थी और ऐसा कुछ कन्वर्ट करने वाले इसके अंदर कस्टमाइज के साथ भाई। अपना ये है अपने पुश बटन वाला पैनल जो इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले भाई। धूप में लुक दे लो कितनी बेहतरीन मिल रही है इसकी भाई, लगने के बाद क्या लुक आने वाली है आप खुद सोच लो भाई। मेरे को तो मतलब बहुत प्रीमियम लुक लग रही है। बाकी इसमें ना कस्टमाइज ऑप्शन आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, जो भी कलर में आपको कस्टमाइज करवाना हो, टेक्सचर में कस्टमाइज करवाना आप करवा सकते हो। इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं 10 इंचेस अपना एंड्रॉइड विद 360 कैमरा। तो बिल्कुल इसमें साथ में भाई आपको ग्लॉसी फ्रेम मिल जाता है। फिटमेंट दिखा दूंगा एक्यूरेट, पहले बहुत वीडियोस के अंदर दिखा भी रखी है। और 360 कैमरा के इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक वेरिएंट ए एक वेरिएंट बी। वेरिएंट बी के अंदर 360 कैमरा होता है, और वेरिएंट ए के अंदर आपको नॉर्मल सिंपली एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा, उसमें 360 नहीं होगा। हेडलाइट की बात कर ले, जी ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर ऐसा कुछ बॉक्स मिल जाता है, 160 वॉट्स के अंदर LED रिस्पॉन्स मिलने वाला है, सारी रिले के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी इसमें कुछ और सामान रखा हुआ है, जो भी सब कुछ इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर अपना डैम्पिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, आपको फिर से सारी लुक दिखाया था। एक मैंने डोर्स अपने ओपन करवाए क्योंकि स्पीकर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो अपना DD इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये रखा हुआ DD, और ये पूरा पैरामेट डैम्पिंग करी गई। डैम्पिंग क्या बेनिफिट्स रहने वाले, पहले तो अपना डोर
कितना हैवी हो चुका है आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। प्लस स्पीकर अभी इंस्टॉल करेंगे तो पूरा ये बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स में क्लैरिटी अच्छी खासी आपके निकल के आने वाली। प्लस अपने प्रीमियम क्वालिटी स्पीकर तो इंस्टॉल करी हुई है डीडी, तो साउंड आउटपुट एक नंबर इसमें आपको मिलने वाला है। बाकी भाई कार के अंदर सारी रिले इंस्टॉल करी जा रही है, तो भाई जो है अपनी पावर विंडो रिले सिंपली जैसे आप लॉक कर रहे हो तो आपके सिंपली सारे मिरर्स ऊपर हो जाएंगे, जैसे आपसे सेफ्टी पे काम आएगा। प्लस यहाँ पर अपनी ऑटो फोल्डिंग रिले भी इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि अंदर से तो फोल्डिंग आती है, की के साथ फोल्डिंग नहीं आती, सिंपली यहाँ पर वो भी इंस्टॉल कर देंगे। प्लस अपना डैशबोर्ड जो सिंपली ये पुश बटन वाला पार्ट होता है रिप्लेस कर चुके हैं, वो अपना ब्राउन फिनिश वाला रिमूव कर दिया और दूसरा यहाँ पर टेक्सचर वाला इंस्टॉल कर दिया। इसमें बड़े सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी कलर ना हो कस्टमाइज कराना हो आप वो करवा सकते हो। बाकी अभी यहाँ पर चल रही है सारी वर्किंग 360 कैमरे की। प्रसाद खान साहब, खान साहब सबसे मेन चीज़ क्वेश्चन रहता है कस्टमर का, वारंटी वॉइड तो नहीं होगी? तो भाई देख लो प्लग एंड प्ले सिंपली कर रखा है कंपनी की वायरिंग में, कोई कपलर कटिंग वटिंग कुछ नहीं करी गई है। जब भी आप आओगे भाई किस स्टोर पे आना है, काउंटिंग कार्ड्स पे आना है आपको सिंपली, और आपका काम होगा परफेक्शन के साथ और विदाउट वायरिंग कटिंग के साथ। तो भाई इसके अंदर अपग्रेड कर रहे हैं अपना वूफर, तो ये अपना इंक्लोजर रहता है, ये अपना एल शेप के अंदर देख लो कितना स्लिंक मिलने वाला देखने के लिए। अभी सिंपली जब यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोसेस चलेगा ना, पूरा यहाँ पर आपको फिट मिल जाएगा सीट के साथ। और इसमें साथ में है अपना JBL का 1300 वॉट का वूफर जो इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो स्पीकर्स तो अपने अच्छे खासा इंस्टॉल कर रही है डीडी, साथ में वूफर मिल जाएगा, तो साउंड आउटपुट बहुत अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है। एंड में साउंड आउटपुट सुना दूंगा। प्लस यहाँ पर अपने स्पीकर इंस्टॉल हो चुके हैं बैक एंड में, और फ्रंट एंड की बात कर ले तो फ्रंट में अपने कॉम्पोनेंट यहाँ पर इंस्टॉल कर चुकी है। ट्विटर सैश अपना जेन्युइन इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है ट्विटर की प्लेसमेंट करने के लिए। बाकी अगर आपको ट्विटर सैश ना लगवाना हो उसमें कटिंग करके लगवा सकते हो, नहीं तो अपने डोर्स के अंदर भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। फ्रंट लुक ऐसी कुछ मिलने वाली है देखने के लिए, तो बहुत अच्छी खासी लग रही है। इसके अंदर अपने इंस्टॉल कर रहे हैं एम्बिएंट लाइट, तो स्ट्रिंगर इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। भाई लोग बोलेंगे कार्डी क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, कार्डी में सिंपली एक क्या दिक्कत आती है, जैसे आपके साइड में कोई और गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो आपके चारों डोर पैनल्स की यहाँ पर जो लाइट्स होती है वो ब्लिंक करने लगती है, इसके अंदर वो इशू नहीं आने वाला आपका। प्लस ये प्रीमियम क्वालिटी एम्बिएंट लाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे, तो फ्रंट में देखो कितनी प्रीमियम लग रही है। अभी इसका लाइट आउट आपको एंड में दिखा दूंगा मैं। भाई एम्प की बात कर ले, इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं अपना साउंड टेक का एम्प, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा अपने सीट के नीचे, सिंपली इसको प्लेस कर देंगे और वायरिंग 1% आपको दिखने नहीं वाली, जो भी होगी टक एंड सिंपली हो जाएगी। भाई व्हील आर्क भी अपना रिप्लेस करा जा रहा है, मतलब ये फुल गाड़ी अपने बेस टू टॉप बनने वाली है। तो ऐसी कुछ लुक आई थी व्हील आर्क की, जिसको कन्वर्ट कर चुके ग्लॉसी व्हील आर्क के साथ। ये अपना जेन्युइन पार्ट रहता है, इस वाले को सिंपली अगर आपको डिपेंड करवाओगे लेकिन आपको ये वाली क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो अपने जेन्युइन में रहती है। मैं आपको डिफरेंस दिखाया था, ये अपने कंपनी स्टॉक के अंदर अलॉय व्हील्स जो आए थे तो भाई ने उसको अपग्रेड कर दिया 18 इंच अलॉय व्हील्स के साथ। तो भाई भाई का बोलना क्या है, भाई क्यों अपग्रेड करे? भैया कंपनी फिटेड भैया व्हील कैप का लुक देती है, व्हील कैप का लुक देती थी। तो भाई भाई ने कर दिए यहाँ पर 18 इंच अलॉय व्हील्स। कितना कुछ खर्चा है भाई मोटा मोटा इसके अंदर? 25-26 हज़ार ऊपर से देने, मतलब 25 हज़ार रुपये सिंपली भाई ने यहाँ पर ऊपर दिए और 18 इंच अलॉय व्हील्स लगवा लिए। इस वाले को उतार दिया और इस वाले को इंस्टॉल करवा लिया भाई अपनी गाड़ी के। तो भाई यहाँ पर आपको डोर पैनल्स की लुक दिखाता हूँ, क्योंकि भाई देखो दिन के टाइम जितना जस्टिफाई हो जाए ना वो दिन के टाइम दिख जाएगा, क्योंकि रात के टाइम ये चीज़ें आपको नहीं दिख पाएगी। तो देखो कितनी प्रीमियम लुक दे रहा है ना, और 1% मतलब कहीं से कुछ ऐसा लग नहीं रहा इसके ऊपर अनइक्वल सा भाई कि आफ्टर मार्केट कुछ खराब हुआ है, मेरे को तो बहुत प्रीमियम लगा। प्लस अगर बात करें यहाँ पर अपनी इंस्टॉल K3 MBS लाइट, तो स्ट्रिप वाली होती है और ओवरऑल फिटमेंट ऐसी कुछ लुक आने वाली है जैसे कंपनी से फिट होती है अपनी सेम वही लुक के अंदर। इन बिटवीन आपको लाइनअप दिखाता हूँ, एक विटारा वोरी, एक वोरी, एक वोरी हाई राइडर विटारा, विटारा पंच, और पीछे एक विटारा और, मतलब फुल लाइनअप आपको मिलने वाला है। आज इन सब के वीडियोस नहीं दिखा रहा, स्पेसिफिक उस गाड़ी की दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ अल्टीमेट लेवल की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसको फुल ग्रैंड टॉप मॉडल बना चुके हैं। भाई रूफ भी अपने पूरी रैप कर दिया इसके अंदर। फाइनली भाई यहाँ पर हो चुकी है विटारा का कंप्लीट। तो फ्रंट साइड की बात कर ले, अपना जेन्युइन वाला हेडलाइट वाला गार्निश इसके अंदर पूरा इंस्टॉल करा गया, प्लस अपना फ्रंट पट्टा, और यहाँ पर आपको मिलने वाली है कुछ पुलिस लाइट्स, तो ये लुक्स के लिए सिंपली इंस्टॉल करी गई है, ये अपने शॉक वाली चीज़ें होती है। बाकी फ्रंट साइड में यही था, एक अपने LED में अपग्रेड कर रखा है 160 वॉट की LED, उसके अंदर भी देख लो भाई LED सेम LED के अंदर इंस्टॉल कर रखी है, तो रिस्पांस आपके सामने। बाकी नाइट ड्राइव आपके ज़्यादा इजीली आपको पता चल पाएगी। प्लस फ्रंट में अगर बात करें यहाँ पर मिलने वाला है 360 कैमरा। साइड फेस की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको मिलने वाले 18 इंच के अलॉय व्हील्स, तो X2 के अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं। अगर आपको डिज़ाइन देखना हो तो भाई आप इस पर देख लो भाई, डिज़ाइन अच्छे पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलने वाला है विद अपना रेड कैलिबर्स इसके अंदर पेंट करे गए हैं। साइड में बात करें फुटरेस्ट के अंदर इंस्टॉल करा गया, प्लस अपनी ये वाली जो सिंपली यहाँ पर रहता है ग्लॉसी वाली क्लैडिंग पूरी, ये इसके अंदर इंस्टॉल करी गई विद अपना व्हील आर्क।
तो फुल कॉम्बिनेशन अपना टॉप मॉडल वाला इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ओवरऑल लुक देखो जेन्युइन पार्ट रहता है, सिंपली रिप्लेसमेंट इसके कन्वर्ट कर चुके हैं ये वाला पार्ट और ये वाला, और अपने फुटरेस्ट इंस्टॉल कर दिए। भाई तरफ बात करें अपने लोअर गार्निश इंस्टॉल करी गई, अपने सिक्स पीसेस के अंदर रहती है, बैक एंड तक मिल जाता है। ऊपर तरफ बात करें अपने यहाँ पर डोर वाइजर्स इंस्टॉल करेंगे तो ऐसी कुछ लुक मिल जाती है अपने क्रोम लाइनिंग डोर वाइजर्स की। तो साइड फेस की लुक देख लो भाई, अलॉय व्हील्स के बाद ही कितनी ज्यादा एनहांस हो चुकी है, 18 इंच अलॉय व्हील्स। मोटा मोटा भैया को 25,000 रुपए ऊपर इसके लिए और देने पड़े, लेकिन लुक बहुत ज्यादा एनहांस यहाँ पर हो चुकी है। बाकी भाई कर चुके हैं कार के अंदर एंटर, तो एंटर करने पे आपको मिलने वाला है प्रीमियम क्वालिटी जो इंटीरियर कर रखा है अपने डोर पैनल्स के ऊपर। फिनिशिंग लेवल देख लो भाई कितनी एक्यूरेट आपको मिलने वाली है भाई देखने के लिए, ये फिनिशिंग लेवल देख लो भाई कितनी एक्यूरेट मिलने वाली है। प्लस अपना ब्राउन स्टिचिंग करी गई है विद अपना टेक्सचर लेदर और प्रीमियम क्वालिटी एमएस लाइट। प्लस अपना डैशबोर्ड का देख लो भाई यहाँ पर, तो ओवरऑल बस पैकिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये अपने एम्प का वायर निकला हुआ है जो अपना सायरन इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, और डैशबोर्ड की क्वालिटी देख लो कितनी प्रीमियम आपको देखने में मिलने वाली है। प्लस अपना एमबीएस लाइट की पूरी लुक जो मिल रही है अपने सिक्स पीसेस के अंदर इंस्टॉल करी गई K3 सीरीज। और यह है अपना सिस्टम, सिस्टम के ऊपर चलेंगे, उससे पहले अपने डोर पैनल्स के ऊपर भी पूरा ग्लॉसी में कन्वर्ट करेगा जैसे अपना टॉप मॉडल के अंदर आता है। चारों डोर पैनल्स कन्वर्ट कर दिए गए हैं, गियर नॉब चेंज करा गया है, ये वाला ग्लॉसी इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है, बीच वाला ग्लॉसी पूरा रिप्लेसमेंट सीन, एसी वेंट टॉप मॉडल वाले कन्वर्ट करे गए हैं। शेयरिंग के ऊपर चलते हैं, शेयरिंग के ऊपर यहाँ पर करा गया है अपना ब्रीजा वाला शेयरिंग कन्वर्ट। अगर भाई किसी भाई को ये वाला पार्ट भी ग्लॉसी में कन्वर्ट कराना हो और अपना मीटर का पार्ट, दोनों की लुक और ज्यादा एनहांस कर देता है अपने कार के इंटीरियर की लुक को। इसमें अपना डी कट स्टीयरिंग मिल जाता है, स्टीयरिंग रैप मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, प्लस अपना कॉलिंग बटन का ऑप्शन मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल ओनली अपना डमी है, और पार्किंग लाइट भी इसके अंदर जल रही है। ये जल गई, ये ऑफ हो गई और ये जल गई। तो भाई ये जेन्युइन वर्किंग में मिलने वाली, चलते सिस्टम की तरफ। सिस्टम में इंस्टॉल करा गया भाई अपना 10 इंच एंड्रॉयड विद अपना ग्लॉसी फ्रेम। ग्लॉसी फ्रेम साथ में रहता है, अलग से नहीं मिलता, पूरा सिस्टम ये फिक्स आता है एक तरीके से। बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की बात करें, नेविगेशन मिल रहा है, म्यूजिक मिल रहा है, रेडियो, ब्लूटूथ के थ्रू अपना फोन आप इसके लिंक कर सकते हो, सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो फाइल्स पिक्चर इक्वलाइजर डीएसपी सेटिंग्स के लिए, और पर एप्स पे क्लिक करोगे बाकी आपकी सारी एप्स खुल जाएगी। 360 में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 360 व्यू देखने के लिए, असिस्टेंट, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, कार लिंक के थ्रू अपना फोन आप इसके अंदर लिंक कर सकते हो इजिली। और ये भाई देख लो यूट्यूब मिल रहा है, वॉइस सर्च, वीडियो प्लेयर मिल रहा है, प्राइम वीडियोस, प्ले स्टोर, जीमेल आईडी लिंक करो, रेडियो यूज़ हो, कुछ भी इसके ना डाउनलोड कर सकते हो, पूरा तुझे फोन बन जाएगा भाई यहाँ पर देखने के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छा खासा इंटरफेस देने मिलने वाला है। 360 का एक शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर ऐसे क्लिक करोगे तो भाई ये देख लो, ये अपना 360 व्यू, ये अपना पीछे का, ये लेफ्ट का, ये राइट का, और ये अपना लेफ्ट एंड राइट दोनों वर्जन मिल जाएगा। बाकी जब आप 2D पे क्लिक कर दोगे 2D पे ऐसे कुछ व्यू मिलने वाला है, ये अपना फ्रंट का व्यू, ये अपना बैक एंड का व्यू है, ये लेफ्ट का व्यू है, राइट का व्यू है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों वेरिएशंस। बाकी आप जिस करोगे अपने पार्किंग पे क्लिक तो लेफ्ट एंड राइट दोनों वेरिएशंस मिल जाएंगे इसके अंदर देखने के लिए। और जब आप इंडिकेटर करोगे तो इंडिकेटर पे आपको सिंपली उस तरफ का इंडिकेटर आपको वर्किंग मिल जाएगा देखने के लिए। कार भी पूरी सिंपली इसके अंदर ब्लिंक करेगी अपनी, और कितना अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है 360 के अंदर, क्लैरिटी आपके सामने मिल रही है। तो इसको करते कर बैक भाई यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बैक करने का, होम का, ऑफ का, ये माइक एंड रीसेट करने का, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ओवरऑल बहुत अच्छी खासी लुक लग रही है मेरे हिसाब से, जो कस्टमाइज इंटीरियर के अंदर करा गया ना इसने कुछ ज्यादा ही लुक को एनहांस कर दिया है। चलते सीट कवर, प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर इंस्टॉल कर रखे है तो भाई फिटिंग देख लो, प्लस अपना टेक्सचर लेदर विद अपना यहाँ परफेक्ट डिजाइन मिलने वाला है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी फिटिंग मिल रही है। अपना रिमोट है सायरन का जो भी इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले है। तो भाई देख लो चेन सिस्टम मिल रहा है अपने हेडरेस्ट में, बैक एंड की भाई क्लीनिंग का प्रोसेस अभी रह रहा है, बाकी ओवरऑल यही लुक थी गाड़ी के अंदर। स्पीकर्स की बात कर ले, डीडी मैंने आपको दिखा दिया, फ्रंट में अपने कॉम्पोनेंट, बैक एंड में कोएक्सिस इंस्टॉल करेगा डीडी के, और अपना ट्विटर सैश भी इसके अंदर इंस्टॉल करेगा जेन्युइन। बाकी चलते भाई साउंड आउटपुट तरफ, आपको क्लैरिटी सुनाया था, इसके अंदर अपना इंक्लोजर भी इंस्टॉल करा गया है JBL का, प्लस अपना एम्प इंस्टॉल करा गया है साउंड टेक का। तो भाई क्लैरिटी सुनना भाई कितनी बेहतरीन मिलने वाली है, और क्या बेस मारने वाला है भाई ये सिस्टम, बहुत बेहतरीन सेटअप रेडी करा गया। और इस गाड़ी की बिलिंग की बात कर लूं भाई, मोटा मोटा 2 लाख प्लस गया है बिलिंग, क्योंकि इसके अंदर 18 इंच अलॉय व्हील्स, सिस्टम, एंड्रॉयड जो भी इंस्टॉल करा है, ये डैशबोर्ड, इंटीरियर बहुत बेहतरीन वाला करा गया। और एम्बिएंट की लाइट फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर आपको एक रिमोट दिखा रहा हूँ, अभी इसको पेश करना बाकी है। इसमें वो कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे कन्वर्ट करने के लिए, आप इसके थ्रू कर सकते हो। बाकी आपके पास ऑप्शन मिल रहा है ऐप के थ्रू भी, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस, ऑन ऑफ, मल्टी मोड्स आप इसके थ्रू यूज कर सकते हो। बाकी चलते भाई साउंड आउटपुट तक, क्लैरिटी सुनाता हूं आपको। I don't wanna be left on the shelf.
बाकी भाई यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल मॉडिफिकेशन दिखा दी है और ब्रीजा का भंडार आपको ऑलवेज रेडी मिलने वाला है जब आप सिंपली आओगे काउंटिंग कार्ड्स पे। ऐसा कुछ काम कराना है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है अपने संजीत भाई का, डिटेल्स आप ले सकते हो। जितने भी जेन्युइन पार्ट्स इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे 25% डिस्काउंट उसमें मिल चुका है। अगर आप ओवरऑल काम करवाओगे गियर नॉब बूट लाइट आपके लिए फ्री है। सिंपली आपको आना काउंटिंग कार्ड्स, वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर आपको ए टू जेड चीजें, ग्रैंड विटारा पंच हो कोई भी गाड़ी हो, सिंपली आपको एक स्टॉप पे आना है। एक स्टॉप के ऊपर आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बिना वायर कट करे। आपकी वारंटी 1% वॉइड नहीं होने वाली। इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।